बीजेपी सरकार जो है कह रहा है राम मंदिर बनाया है, भक्ति आस्था सालों से बाकी था, कांग्रेस अड़ंगा लगाए और नहीं बनने दिया, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, इन्होंने तो हमने आपको पहले ही बता दिया है कि भगवान हमारे बिके हैं अब तो गलियों और चौबारों से, ये लोग जो हैं बीजेपी वाले तमाशा हमारे श्री राम का इतना बना दिया है कि अधूरे मंदिर में निर्माण कर दिया, अधूरे मंदिर में उसकी पूजा स्थापना कर दी। भगवान हमारे बिके हैं अब तो गलियों और चौबारों से, वो अपनी दुकान चलाते श्री राम के नारों से, लूटम लूट मची है अब तो कोई कुछ ना कर पाता, खुले आम वो करें डकैती मंदिर के औजारों से। चार लाइनें राम मंदिर पे बोलना चाहता हूँ मैं। मंदिर अभी नहीं पूरा बन पाया है, फिर काहे हमको श्री राम ने बुलाया है। ये बीजेपी वालों से सवाल चाहता हूँ मैं, क्यों पूछेंगे? बिल्कुल पूछेंगे। सुनो, पहले आप पूरा सुनिए। बीजेपी वालों से सवाल ये मैं यही चाहता हूँ कि इसका जवाब दें वो। मंदिर अभी नहीं पूरा बन पाया है, फिर काहे हमको श्री राम ने बुलाया है। लगता है उनके पास टाइम बड़ा कम था, इसीलिए आधे में ही न्योता पठाया है। इसके बाद उनको प्रचार भी तो करना है। मेरे राम जी को कैसे तमाशा बना दिया इन्होंने। इसके बाद उनको प्रचार भी तो करना है, फकीर वाला झोला उनको वोटों से भी भरना है। 10 साल वाली तो नाकामी भी छिपानी है, मेरे राम जी को भर पाई पूरी करना है। क्योंकि भैया 24 का चुनाव भी तो आया है, इसीलिए हमको श्री राम ने बुलाया है। अब आप देख रहे थे जब मंदिर का शिलान्यास हुआ, उस समय राम कोविंद राष्ट्रपति थे, तो उस जब उद्घाटन हुआ तो राम कोविंद जी को नहीं बुलाया गया क्योंकि वो दलित थे। तो मेरा कहना है, मुर्मू जी उद्घाटन हुआ तब की बात मैं कर रहा हूँ, जब शुरू में वो रखा गया, नींव रखी गई, उस समय राष्ट्रपति राम कोविंद जी थे। तो मैं कहना चाहता हूँ, दलित समाज के लोग आंखें खोल के और कान खोल के सुन लें। सबरी के जूठे बेर राम जी ने खाए थे, राम कोविंद काहे शिलान्यास में ना आए थे। सबसे पहले उनका अधिकार होना चाहिए, राष्ट्रपति वो तो नहीं यूं ही कहलाए थे। मंदिर में कितने दलित हैं पुजारी, या केवल बाहर रह के बने भिखारी। मंदिर में कितने दलित हैं पुजारी, या केवल बाहर रह के बनेंगे भिखारी। राष्ट्रपति मुर्मू जी को भी ना अपनाया है, फिर काहे हमको श्री राम ने बुलाया है। अभी आपने देखा कानपुर में दलितों से पैसा लिया गया और दूसरे दिन वापस किया गया कि आपके पैसों से प्रसाद नहीं बनेगा। अबे मूर्खों, बीजेपी वालों से बोला मूर्ख, रोडे बनवा देते, सलमान खान से, शाहरुख खान से, मुस्लिम से लेंगे। सलमान खान, शाहरुख खान मुस्लिमों से पैसे लेंगे हैं? दलितों के पैसे का प्रसाद भी न खाते हैं। जो दलित समाज के लोग राम भक्ति में अंधे हैं, अंधभक्त बन चुके हैं, उनके लिए संदेश राम भक्ति अंधभक्ति है। राम भक्ति अंधभक्ति नहीं है, लेकिन तुम्हारे पैसे से प्रसाद नहीं बनेगा। मुस्लिम के पैसे से राम मंदिर जरूर बनेगा। सलमान शाहरुख खान से पैसे लिए गए कि नहीं, बीजेपी इसका जवाब दे। दलितों के पैसे का प्रसाद भी ना खाते हैं, मुस्लिम के पैसे से ये घर बनवाते हैं। दलितों के पैसे का प्रसाद भी ना खाते हैं, मुस्लिम के पैसे से ये घर बनवाते हैं। पूरा चुनावी मतलब मुद्दा है, ये चुनावी राम है। अभी कर्नाटक में एक साल पहले कर्नाटक में चुनाव हुआ तब इन्होंने राम को किनारे कर दिया। वो सब ठीक है, मान लिया, बता लिया। एक शेर इन्होंने कर्नाटक में राम को किनारे कर दिया और जय बजरंगबली ले आए थे, तो बजरंगबली ने इनके गदा घुसेड़ दी। राम और बजरंगबली किनारे करना क्या होगा? चलिए ये बताइए, राम का मंदिर आधा आधा था, रायबरेली में प्रधानमंत्री आवास बने कि नहीं बने? पहले कर्नाटक पे आप एक शेर सुन लीजिए। इन्होंने बजरंग बली की जय जय बोलना शुरू कर दिया, राम जी को किनारे कर दिया। तो मेरा कहना है,
बजरंग बली ने गदा घुमा दिया, ठोक दिया कर्नाटक में। उस समय कांग्रेस जीती थी वहाँ, राम जी को किनारे कर दिया, कांग्रेस जीती। बजरंग बली ने गदा घुमा दिया, ठोक दिया कर्नाटक में, राम हमारे फिर से फंस गए चौकीदार के नाटक में। नफरत बांट रहे थे जो देश के कोने कोने में, लगता तबीयत ठीक हो गई राहुल भैया के झापट में, राहुल भैया के झापट में। आवाज बने कि नहीं? एक आखिरी शेर बोलना चाहता हूँ। बीजेपी वाले कभी राम मंदिर, कभी एक कानून, कभी कोई ना कोई सिगुफा लाया करते हैं। सिगुफा मतलब बहाना, बहाना लाया करते हैं हर चुनाव में। नया सिगुफा लाना जिनकी आदत है, जोर लगा चिल्लाते हैं और टांग उठा के पादत है। हर एक पूरा शेर कर लो। हर चुनाव में नया सिगुफा लाना जिनकी आदत है, जोर लगा चिल्लाते हैं और टांग उठा के पादत है। भगवान हमारे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर हैं, ये राम नाम से करे डकैती, ये राम का हम पर लादत है, ये राम का हम पर लादत है। राम भगवान नहीं है? भगवान है लेकिन जबरदस्ती लादते हैं। पहले यही इसी इन्हीं राम की वजह से दलितों के जबान काट लिए जाते थे, अगर आप राम का नाम ले लें। लेकिन आज के दलित इतने अनपढ़, इतने जाहिल हो चुके हैं ये लोग कि राम भक्ति में अंधे हो चुके हैं। 5 किलो राशन का टुकड़ा आपके बच्चों को डाला जाएगा, नौकरी नहीं मिलेगी उनको, टुकड़ों पर पाला जाएगा। नौकरी नहीं मिलेगी उनको, टुकड़ों पर पाला जाएगा। आंखें खोलो हमारे दलित समाज के लोग, मैं भी अजय सोनकर धुरंधर दलित ही हूँ। यहाँ पीएम आवास बने कि नहीं बने? पीएम आवास अभी तो कुछ नहीं बना, ये पहले मायावती जी ने काशीराम कॉलोनी बनाई, पीएम आवास कुछ नहीं बने।